नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं satyahindi.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। फिल्म द केरला स्टोरी पर रोक लगाने की याचिका पर आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें, इससे पहले 5 मई को केरल हाई कोर्ट ने इस फिल्म पर बैन लगाने से इनकार कर दिया था और कहा था कि इस फिल्म की कहानी असल घटनाओं से प्रेरित है। अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि सर्टिफिकेशन बोर्ड ने फिल्म को देखने के बाद ही इसे रिलीज किया। फिल्म में किसी समुदाय के खिलाफ कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं है, जिसके बाद याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में CJI DY चंद्रचूड़ के समक्ष इस मामले को रखा और इस पर जल्द सुनवाई करने की अपील की, जिसके बाद बेंच ने मामले पर सुनवाई के लिए आज 15 मई की तारीख तय की। हाल ही में आम आदमी पार्टी से भाजपा में शामिल हुए नेता पवन सहरावत ने वापस आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। दरअसल पवन सहरावत ने बवाना से आप के टिकट पर पार्षद का चुनाव जीता था, लेकिन फरवरी में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव से पहले उन्होंने BJP का दामन थाम लिया था। हालांकि अब एक बार फिर उन्होंने घर वापसी कर ली है। अब उनके इस कदम को दिल्ली नगर निगम में BJP के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक ने पवन सहरावत को टोपी पहनाकर पार्टी में उनका स्वागत किया और कहा कि केजरीवाल सरकार द्वारा स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़क और वाईफाई समेत तमाम क्षेत्रों में किए जा रहे ऐतिहासिक कार्यों से प्रभावित होकर लगातार लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसी क्रम में आज पवन सहरावत आम आदमी पार्टी परिवार में लौट रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने जेलर को एक चिट्ठी लिखी है। 11 मई को लिखी गई इस एप्लीकेशन में उन्होंने कहा कि वो काफी अकेलापन महसूस कर रहे हैं और मनोचिकित्सक ने उन्हें अकेला ना रहने और सामाजिक दायरा बढ़ाने की सलाह दी है। इसके बाद जेल नंबर 7 के सुपरिटेंडेंट ने उनकी सेल में 2 कैदियों को शिफ्ट भी कर दिया, लेकिन जब जेल प्रशासन को इस बात की खबर मिली तो तुरंत उन दोनों कैदियों को वापस उनके सेल में भेज दिया और साथ ही जेल नंबर 7 के सुपरिटेंडेंट को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। दरअसल जेल प्रशासन का कहना है कि सुपरिटेंडेंट ने यह निर्णय बिना प्रशासन को बताए लिया, जबकि बिना प्रशासन की इजाजत के ऐसा नहीं किया जा सकता। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद अब कांग्रेस में इस बात को लेकर गहमा गहमी तेज है कि राज्य का मुख्यमंत्री पद कौन संभालेगा। बता दें, मुख्यमंत्री पद की रेस में सिद्धरमैया और DK शिवकुमार, इन दो नामों की चर्चा जोर पर है। इस बीच कल रविवार को बेंगलुरु के शांग्रीला होटल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई और इस बैठक में प्रस्ताव पास हुआ कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे CM का नाम तय करेंगे। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने एक बयान में कहा कि हमारे पर्यवेक्षकों की बेंगलुरु में हुई बैठक के बाद वे अपनी राय आलाकमान के साथ साझा करेंगे और फिर आलाकमान अपना निर्णय सुनाएंगे। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में रविवार को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोगों से इतिहास के बारे में जानने का आग्रह करते हुए कहा कि भारत ना तो पहले कभी झुका था और ना ही भविष्य में झुकेगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने कई चमत्कार किए। मैं विवरण में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं कहूंगा, चाहे वह हल्दी घाटी हो या गलवान घाटी, ना तो भारत कभी झुका और ना ही झुकेगा। मैं हर किसी को इस बारे में आश्वस्त करना चाहता हूं। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि भारत कभी किसी को उकसाता नहीं है, लेकिन अगर कोई करेगा तो देश किसी को नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा कि पहले जब भारत बोलता था तो दुनिया उसे नज़रअंदाज कर देती थी, क्योंकि वह हमें कमजोर समझती थी, लेकिन आज जब भारत बोलता है तो पूरी दुनिया ध्यान से सुनती है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में कल रात छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती के समारोह के दौरान 2 गुटों में झड़प हो गई और इस दौरान हुए पथराव में कई दुकानों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। साथ ही 4 पुलिस कर्मियों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। वहीं स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा और 31 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के मुताबिक घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और हालात काबू में हैं। WFI अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर उनकी गिरफ्तारी और पद से इस्तीफा देने की मांग पर विरोध प्रदर्शन कर रहे देश के शीर्ष पहलवानों ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत BJP की महिला सांसदों को खुला पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए पहलवानों ने महिला सांसदों से समर्थन मांगा है। जंतर मंतर पर रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए विनेश फोगाट ने कहा कि यहां धरने पर बैठे हुए आज हमें 22 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक BJP से कोई हमारे पास नहीं आया, कोई महिला सांसद नहीं आई। जो लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, वो लोग हमारे इस दुख में शामिल नहीं हुए। कल यानी सोमवार को हम BJP की महिला सांसदों को ओपन लेटर लिखकर उनसे मदद मांगेंगे।
हमारे पहलवान उनके घर पर लेटर पहुंचाएंगे। पहलवानों ने अपने पत्र में लिखा है कि भारत की हम महिला पहलवानों का भारत के पहलवान महासंघ के अध्यक्ष द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया है। महासंघ के अपने लंबे समय तक अध्यक्ष रहने के दौरान उन्होंने कई बार पहलवानों का यौन शोषण किया। कई बार पहलवानों ने अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश की, लेकिन उनकी ताकत ने पहलवानों का भविष्य बर्बाद कर दिया। न्याय की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन अब जब पानी नाक से ऊपर जा चुका था तो हमारे पास महिला पहलवानों की इज्जत के लिए लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। हमने अपने जीवन और खेल को एक तरफ रख दिया है और अपनी गरिमा के लिए लड़ने का फैसला किया है। हम पिछले 20 दिनों से जंतर मंतर पर न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारे अवलोकन के अनुसार उनकी शक्ति ने न केवल प्रशासन की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी बल्कि हमारी सरकार को बहरा और अंधा बना दिया है। महिला पहलवानों ने पत्र में आगे लिखा है कि सत्तारूढ़ दल की संसद की महिला सदस्य होने के नाते हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं और हम आपसे हमारी मदद करने का अनुरोध करते हैं। न्याय के लिए हमारी आवाज़ और हमारी गरिमा को बचाओ। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आप लोग जंतर मंतर पहुंचने के लिए कुछ समय जरूर निकालें। पाकिस्तान में चल रहे राजनीतिक घमासान के बीच पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सोमवार को बड़ा दावा करते हुए कहा कि देश की सेना ने उन्हें राजद्रोह के आरोप में अगले 10 साल तक जेल में रखने की योजना बनाई है। सोमवार तड़के एक के बाद एक लगातार ट्वीट कर इमरान खान ने लिखा, तो अब लंदन की पूरी योजना सामने आ गई है। जब मैं जेल में था तब हिंसा के बहाने उन्होंने न्यायाधीश, ज्यूरी और जल्लाद की भूमिका अपना ली और अब बुशरा बेगम को जेल में डालकर और राजद्रोह कानून का इस्तेमाल करके अगले 10 साल तक जेल में रखकर मुझे अपमानित करने की योजना है। खान ने कहा कि लोग कोई प्रतिक्रिया नहीं करें, यह सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने दो काम किए हैं। पहला, जानबूझकर न सिर्फ पीटीआई कार्यकर्ताओं बल्कि आम नागरिकों को भी आतंकित किया गया। दूसरा, मीडिया पूरी तरह से नियंत्रित और दबा हुआ है। इन अपराधियों द्वारा जिस तरह से चादर और चार दीवारी की पवित्रता का उल्लंघन किया जा रहा है, वैसा कभी नहीं किया गया। पीटीआई प्रमुख ने कहा कि पाकिस्तान के लोगों के लिए मेरा यही संदेश है कि मैं अपने खून की आखिरी बूंद तक हक की आज़ादी के लिए लड़ूंगा, क्योंकि मेरे लिए इन अपराधियों का गुलाम होने से मौत बेहतर है। आईपीएल 2023 के 62वें मुकाबले में आज गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आमने सामने होंगी। दोनों टीमों के बीच आज का ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।